इतिहास में स्वागत। आज हम बताएंगे लिंग। क्या है लिंग? लिंग शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मामा और ग्रंथ, इन तीनों में पुल्लिंग है, जबकि मोरनी, मामी और पुस्तक, इनमें स्त्रीलिंग है। हिंदी में दो ही लिंग है, पुंलिंग और स्त्रीलिंग। और लिंग भेद हम कैसे कर सकते हैं? हिंदी में तीन प्रकार के शब्द हैं। पहले शब्द है शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हो, दूसरे शारीरिक लक्षण से स्त्री जाति का हो, तीसरे जिनमें पुरुष या स्त्री जैसे कुछ नहीं है, जैसे पहाड़, नदियाँ, कंकड़, पुस्तक, कलम आदि। तीसरे प्रकार के शब्दों का लिंग निर्णय करना बहुत आम, इसके लिए भी कुछ आधार है। लंबे समय से जो शब्द पुंलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुंलिंग माना जाता है, जिन्हें स्त्रीवाचक माना जाता है उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। वास्तव में उन्हें पुंलिंग या स्त्रीलिंग मानने का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, इसलिए सभी नियमों के अपवाद पाए जाते हैं। और प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय करना आसान है। निच पुल्लिंग शब्द क्या क्या है? कौवा, खरगोश, पक्षी, पशु, मच्छर, आलू जैसे। और निच स्त्रीलिंग शब्द क्या है? संतान, मछली, गिधरी, कोयला, बुलबुल, मक्की इत्यादि। स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाले स्त्री शब्द कहलाते हैं और पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले तो पुंलिंग कहलाते हैं। लेकिन दोनों के लिए डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मैनेजर जैसे। अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय हम कैसे कर सकते हैं? पुंलिंग देशों के नाम प्रायः पुंलिंग होते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चीनी, भारत, जापान, पाकिस्तान आदि। और पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, आरावली, विंध्यावली आदि। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, चना, जो, मटर, जावर आदि। और मक्का, सरस, अरहद, मूंग ये सभी स्त्रीलिंग है, इसमें भी कुछ अपवाद भी है। पेड़ों का नाम पीपल, जामुन, नीम, केला, अमरुद, संतरा, बरगद, नींबू ये सब पुंलिंग शब्द है। और अपवाद क्या है इसमें? इमली, चंपा, बेकन आदि। धातुओं के नाम सोना, पीतल, तांबा, कांस, लोहा आदि पुंलिंग शब्द है। और अपवाद क्या है? चांदी। और ग्रहों के नाम मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, शुक्र आदि। और इसमें अपवाद क्या है? पृथ्वी। हम पृथ्वी को स्त्रीलिंग के रूप में ही देखते हैं। दिनों के नाम सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र आदि। मासों का नाम मार्च, अप्रैल, चैत्र, आषाढ़, वैशाख, दिसंबर आदि। इसमें अपवाद क्या है? जानवर, फरवरी, मई, जुलाई। समुद्रों के नाम हिंदू महासागर, प्रशांत महासागर, अंडा महासागर, अरब महासागर ये सब पुंलिंग शब्द ही है।